हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ प्याज और आलू के पकोड़े जो बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं। मैंने इसमें प्याज प्याज पत्ता और आलू डाल दिया है। अब बेसन डालता हूँ। अब थोड़ी नमक डालता हूँ। थोड़े पानी ऐड कर देता हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ। अगर आपको पकोड़े में लाल मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से मिर्चा डाल सकते हैं। लोगों को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मैं आज बना रहा हूँ प्याज के पकौड़े प्याज और आलू। मैंने इस बेसन को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे तलने की बारी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब गर्म होने के वेट करते हैं। अब कढ़ाई में तेल लाते हैं। इतना तेल काफी है। गरम तेल में बेसन को डालते समय हाथ बचा के डालिएगा।
जब मैं पहली बार पकौड़े बना रहा था तो मैं अपने हाथ जला लिए था। आप ठीक से करें। ध्यान रखें आप जितने ही भरे उतने जितने कढ़ाई में जगह हो। ध्यान रखें आपके जो पकोड़े हैं कढ़ाई से चिपके नहीं। जब तक भूंजे ये जब तक ब्राउन ना हो जाए। मेरे पकोड़े जो हैं तल चुके हैं अब इसे निकालने के बाद। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि अपनी उंगली बचाते हुए पकौड़े बनाएं। क्योंकि मैंने अपनी उंगली कई बार जलाई है।
ये देखिए मेरे पकोड़े जो है बहुत क्रिस्पी और क्रंची है। मैं Yeah, what?
देखिए ये पकौड़ी कितनी क्रंची है, और ये आप घर में बना सकते हैं। और तीन चटनी भी रखे हैं, बादाम का, धनिया का, टमाटर का। मैंने तीन चटनियाँ ट्राई किए, तैयार किए।